मुस्लिम महिलाओं का निर्धार इस बार बनाएंगे अडब मास्टर को आमदार। रविवार दिनांक 28 जुलाई रोजी सोलापूर येथील एनजीवर्स हॉल इथं शहीद कुर्बान हुसेन अल्पसंख्याक गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासदांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती। या बैठकीमध्ये संस्थेपुढील भविष्य काळांमध्ये असलेल्या रेनगर घलकुलच्या 2 लाख रुपये लोन संबंधित आपल्या समस्या व भविष्य काळात रेनगरमध्ये होणाऱ्या अडचणींचा सामना करण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती। यावेळी रेनगर मधील घरांना 2 लाख रुपये असलेले बँकेचे लोन माफ करण्यासाठी व भविष्य काळाच्या अडचणींवर तोडगा काढण्यासाठी अडम मास्तर यांना आमदार करण्याचा निश्चय संस्थेतील 22,000 सभासदांकडून करण्यात येईल अशी ग्वाही एकमताने घेण्यात आली व काही महिलांनी आपली भावनाही व्यक्त केली। या कार्यक्रमांमध्ये संस्थेचे संयोजक मॅडम मास्तर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सेक्रेटरी इमेज शेख, संस्थेचे चेअरमन नलिनीताई कलबुर्गी, रेनगरचे सेक्रेटरी युसुफ मेजर, महम्मद हनीफ, सातखेड दाऊद शेख विक्रम कलबुर्गी तथा संस्थेतील कर्मचारी व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते तथा कार्यकर्ते उपस्थित होते। मैं खाजी बैंक में गया अरे अरे
मास्टर साहब, मोदी बोला मैंने तेरी गारंटी, मेरे गारंटी से घर बने। मोदी के हमारे साथ में थैली लेके आया था, हमारे मोर्चे में आए थे। हम 12 साल जुड़े थे, जब हमारे को पूछा गया बहन तू कैसी है, तेरा घर कैसा चल रहा है, हमारा राशन सर कर दिया, हमारा पानी भर कर दिया, हमारे रास्ते पर के ठेले जो लगाते हो ठेले बंद कर दिए, कैसा घर चल रहा है कोई पूछा क्या। आरा जब उनको याद आ रही लाडली बहन, लाडली बहन को देख के हर रंग को लेना देंगे और हमारा सर डाटा लेंगे, दाखला मांग रहे ऊपर दाखला मांग रहे। ना कोई सरकार की ताकत हमारे पीछे थी उस वक्त, तो हमारे मास्टर ने आपको सपना दिखाया और सपनों के शहर में कमरा मास्टर ने ये आपको खाब दिखाया कि मैं उस सरजमीन पर जहाँ पर लोग फैले रखे, जहाँ पर कोई पेड़ पौधा नहीं है, उस जगह में आपके लिए सपना और घर बनाऊंगा। तो कई हमारी बहनों को भरोसा नहीं होता था, कई हमारी भाई पूछते थे हमको कि आप तो जंगल में क्या करने वाले हैं, लेकिन मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है और एक फख्र महसूस होता है कि जिस जंगल में लोगों को ठहरने के लिए पेड़ नहीं था, पौधा नहीं था, उस जंगल में कमरे आलम मास्टर ने 30,000 मकान बनाए, ये हमारी कामयाबी। और आपको जो वादा हमने किया था और मास्टर ने कभी विश्वास किया, कमरे आलम मास्टर अपने जिंदगी में कभी झूठा वादा नहीं करते, क्योंकि कमरे आलम मास्टर जानते हैं कि मैं जिन लोगों को यह वादा किया हूं, जिन लोगों को मैं ये कहा हूं कि मैं उनको घर दूंगा, क्योंकि कमरे आलम मास्टर भी अपनी जिंदगी में घर के बिना अपनी जिंदगी गुजारी है। एक हमारी बहन के लिए उसकी घर की आईने क्या होती है, ये अच्छी तरह से कमरे आलम मास्टर जानते हैं। आज आपको उनको अपना घर मिला, मोदी सरकार ने घोषणा की थी और मोदी ने गारंटी दी थी, कोई अगर